हेलो एवरीवन वेलकम टू राजस्थान अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन और मैं सोनिया चहल मैं आप सबका स्वागत करती हूँ तो भाई आज मैं आपके लिए लेके आई एक बहुत शानदार सा टॉपिक आपके एलडीसी के लिए आपको पता है आपको वहां पे साइंस वाला बहुत अच्छा खासा पोर्शन आता है वो आज आपको मैं कराने वाली हूँ पर उससे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ की आज राजस्थान अड्डा आपको दे रहा है हर चीज नौ रुपए में जैसा की आप यहाँ देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे राजस्थान महापैक है जिसमें आपको इंटरेक्टिव क्लासेज मिलती है टेस्ट सीरीज मिलती है बुक्स मिलती है हर चीज जो चाहिए आपको पढ़ने के लिए साथ में आपके रीट के देख सकते हैं आप रीट की की क्लासेस क्लासेस होती होती लैब असिस्टेंट उसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा भैया क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा और वो आपका कोड क्या रहेगा यहाँ पे भला आपका कोड होगा वाई वाई फोर फोर थ्री आर जैसे ही आप ये कोड लगाओगे आपका वहां पे डिस्काउंट हो जाएगा और डिस्काउंट होके आपको हर चीज वहां पे कितने में मिलेगी मात्र नौ रुपए में कितने में मात्र नौ रुपए में आपको ये मिलेगी तो भाई इस मौके को जो है जाने नहीं देना चूकने नहीं देना फायदा उठा लो उसके बाद कुछ नहीं तो चलो ठीक है हमारे हम बढ़ लेते हैं जो हमको पढ़ना है तो भाई आज मैं आपको कराने वाली हूं ब्लड के बारे में मैं आपको कराऊंगी रक्त रुधिर जिसको आप कहते हो तो उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो में इसका दूंगी भाई आप रक्त के बारे में पढ़ते क्यों है रुधिर आपका है क्यों कुछ तो चीज होगी देखो हर चीज साइंस के अंदर एक फंक्शन अदा करती है एक रोल अदा करती है यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है साइंस में जिसका कोई कार्य ना हो आपके पूरी काय के अंदर अगर आपका एक डोट भी कुछ है ना तो मतलब उसका भी कुछ ना कुछ आपका कार्य होगा और बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही ठीक है तो ये मैं शुरू करूंगी आपका बताऊंगी उससे पहले आपको सेशन को लाइक कर देना है तो फटाफट सेशन को लाइक कर दे शेयर कर दे लाइक शेयर कर दे और कमेंट करके मुझे एंड में बता भी दीजिएगा कैसा आपको लगा और मुझे थम्स अप आप भेजेंगे लाइक करके ठीक है तो भाई आपके ब्लड के बारे में बताऊंगी तो मैं आपको ब्लड के बारे में मैंने क्या कहा कि इसका सीन क्या तो होता है बताती हूँ देखो आप ऑक्सीजन लेते हो इनहेल करते हो एक्सहेल करते हो वो ऑक्सीजन कैसे गई एक्सहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे गई खाना खाया खाना खा के ग्लूकोज कैसे आपने एनर्जी ले ली वो आपके एनर्जी हाथ तक कैसे पहुंची मेरे पैर तक कैसे पहुंची भैया मैंने हर चीज की हर चीज का कोई ना कोई फंक्शन होता है आपका तो यहाँ पे आपका फंक्शन ये वाला क्या हो जाएगा ब्लड वाला ट्रांसपोर्टेशन का और साथ में कनेक्टिव टिश्यू होने का यानी कि आपका यहाँ पे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है मैंने क्या कहा कैसे काम करता है भैया आपका कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है अरे ये कह रहा है, मैं पहले ही आ गया हूँ कनेक्टिव टिश्यू की तरह ये काम करता है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी आपका उत्तक होता है संयोजी उत्तक उत्तक नाम से जाहिर है दो चीजों को रखेगा रखे रखे तो आपका जितना भी वेस्ट शरीर से बाहर निकलता है आपके सेल तक जाना हो वो हर चीज आपकी ब्लड पहुंचाता है तो भाई हम इसके बारे में आपका इंटर जो मैंने दिया है थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं अगर मैं बात करूं ब्लड की तो ब्लड आपका मैंने अभी अभी कहा क्या होता है भाई कनेक्टिव टिश्यू होता है संयोजी उतक होता है तो तो सिर्फ एक ये क्या होता है एक लिक्विड होता है कि फ्लूड होता है कि नहीं एक फ्लूड नहीं होता देखो होता क्या है आपका एक होता है प्लाज्मा एक होता है आपके फॉर्म एलिमेंट, मैंने क्या कहा क्या क्या होते हैं एक होता है आपका प्लाज्मा एक होता है आपका फॉर्म डेलीमेंट फॉर्म्ड एलिमेंट अब आप बोलोगे मैडम ये फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है ये संगठित संगठित संरचना है आपने इस क्या नाम लिया है आपने देखो प्लाज्मा तो वो होगा जो आपके ब्लड के अंदर लिक्विड वाला पोर्शन होता है 4, 4, 3 यार। थ्री हाँ। तो आपके अंदर जो कौन सा प्लाज्मा वो होगा जो लिक्विड वाला पोर्शन होगा प्लाज्मा को हिंदी में भी आप प्लाज्मा कहते हो इंग्लिश में भी प्लाज्मा कहते हो यानी कि तरल तरल और आपका फॉर्म एलिमेंट क्या होगा जो उस प्लाज्मा के अंदर और जो छोटे छोटे आपकी चीजें होती हैं टुकड़े होते हैं वो आपके फॉर्म एलिमेंट होंगे यानी कि आपके आरबीसी डब्ल्यू और प्लेटलेट्स चलो आगे बताती हूँ उसके बारे में आगे है इधर तो आते हैं तो यहाँ पे आपका जो प्लाज्मा है प्लाज्मा की बात कर लेते हैं प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा आपका स्ट्रो कलर का होता है यानी कि हल्के से पीले, पीले रंग का होता है और आपके ब्लड का 55 परसेंट ये कंटेन करके रखता है कितना करके रखता है 55 परसेंट ये कंटेन करता है और प्लाज्मा के अंदर यानी ये तो आपका ब्लड का फिफ्टी है अब ये प्लाज्मा को जो हंड्रेड होगा वो हंड्रेड में से आपका नाइनटी से लेके आपका नाइनटी आपका पानी

आपका प्रोटीन होता है और दूसरी चीजें जो आपकी बच गई एक दस, एक से दो चीजें और हो जाएंगी आपके आपकी आइंस ये सब चीजें क्या आपके ब्लड के अंदर सिर्फ यही होता है आरबीसी डब्ल्यू प्लेटलेट्स यही होता है क्या नहीं यही नहीं होता है और दूसरे भी आयन होते हैं जो आपके प्लाज्मा के अंदर साथ साथ में तैरते रहते हैं ठीक है जैसे कि मैं कहूँ आपका कैल्शियम आयन सोडियम आयन क्लोरीन आयन आपका अमोनिया आपका यूरिया आपका वेस्ट हर चीज प्लाज्मा के अंदर होता है बट जो हमारा मेन फंक्शन है वो आपका फोर्म्ड एलिमेंट्स का होता है आपका आरबीसी का डब्ल्यू बीसी का प्लेटलेट्स का तो इसलिए हम सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे ठीक है तो अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पे मैंने प्रोटीन्स की बात की है कि प्लाज्मा के अंदर आपके प्रोटीन कौन से कौन से होते हैं तो पहला आपका आता है फाइब्रिनोज़न कौन सा आता है पहले आपका फाइब्रिनोज़न आता है यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा आपका आता है ग्लोबुलिन दूसरा आपका आता है ग्लोबुलिन तीसरा आपका आता है एल्ब्यूमिन क्या आता है एल्ब्यूमिन आता है ये तीनों के देखो अलग अलग फंक्शन है आपके ऐसा नहीं है कि इन तीनों का एक फंक्शन आप आप फाइब्रियोजन की बात करो तो ब्लड ग्लोटिंग का आ जाता है आप ग्लोबुलिन की बात करो तो आपका ऑसमोटिक बैलेंस बनाने के कार्य करता है अगर मैं आपका एल्ब्यूमिन करू ये भी आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है हर चीज का अलग अलग, अलग आपका फंक्शन होता है इस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं अभी आगे ठीक है तो अब बात कर लेते हैं एक बार हम फोम एलिमेंट्स की तो आपको हर चीज के बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपका यहाँ पे छूट जाएगा ठीक है तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी इस चीज को लेकर कि हां कुछ आपका छूट जाएगा या फिर कुछ ऐसा रहेगा ठीक है तो देखो अगर मैं बात करूं आपकी अगर मैं बात करूं आपके फोर्म एलिमेंट की तो फोर्म्ड एलिमेंट के अंदर आपके आते हैं ल्यूकोसाइट और आपके यानि आपके प्लेटलेट्स यानी कि कौन से कौन से लाल रुधिर कणिका श्वेत रुधिर कणी और आपकी प्लेटलेट्स यहाँ पे आ जाएंगी ये तीनों चीज आपकी हो जाएंगी और ये आपका क्या बने लेंगे सबके सब आपकी ब्लड बना लेंगे यानी मैंने अभी तक आपको क्या बताया है भैया अभी तक मैंने क्या बताया है आप लोगों को इतना बताया है कि आपका ब्लड होता है रुधिर होता है ब्लड आपका दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है एक आपका होता है प्लाज्मा प्लाज्मा दूसरा आपका होता है फोम डेलीमेंट फटाफट से आप वीडियो को जो है लाइक कर देंगे ऐसा नहीं करेंगे कि भाई मैडम ने कमर कर ली है तो आपको उनको दिखेगा नहीं यानी कि आप उनको क्या कहते हो संगठित पदार्थ कह सकते हो या तत्व कह सकते हो ठीक है अब ये जो दो तो आपकी चीजें हैं उसमें से मैंने क्या बताया अरे राम राम भाई रविटाक राम राम और राम कुमावत जी राम राम बिल्कुल तो प्लाज्मा की मैं बात करूं तो मैंने क्या कहा प्लाज्मा आपके ब्लड का 55 परसेंट कंटेन करके रखता है और प्लाज्मा के अंदर आपके क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन के नाम मैंने आपको बताए थे क्या क्या थे आपके फाइब्रिनोजन ग्लोब्युलिन और आपका एल्ब्यूमिन ठीक है ये मैंने पीछे लिखा हो आप वहां से देख सकते हैं ठीक है हम जस्ट एक नॉर्मल कर रहे हैं कि आपने क्या क्या अभी तक पढ़ा है ठीक है की मैं बात करूं तो आपका यहां पे WBC, RBC, और आपका प्लेटलेट हो जाएगा प्लेटलेट ये आपका मिलके क्या बना रहा है ये आपका मिलके भाई ब्लड बना रहा है चलो ठीक है इसने ब्लड तो बना लिया पर ब्लड के बारे में छोटी छोटी चीजें हैं वो जान लेते हैं जैसे कि आपके ब्लड का पीएच क्या होता है आपके ब्लड का पीएच क्या होता है वैसे तो मुझे पहले बताना चाहिए पर मैं ये बाद में बताती हूँ क्योंकि पहले ये तो समझ लो आपका ब्लड क्या होता है उसके बाद पीएच क्या होता है वो क्या होता, सब बाद होता है सब में पढ़ेंगे ब्लड सेवन पॉइंट फोर होता है क्या होता है भाई आपका 7.4 आपका पीएच होता है अगर मैं पीएच के बाद बात ये कहूं कि हम इसकी स्टडी जो करते हैं वो किस चीज में करते हैं तो उसको हम कहते हैं हिमैटोलॉजी कहते हैं क्या कहते हैं इसकी स्टडी को हिमैटो हिमैटोलॉजी हिमेटोलॉजी ठीक है अब आपका ये जो ब्लड बनता है ये जितने भी एलिमेंट्स है ये सब का सब जो ब्लड बनाएगा ब्लड बनने की प्रोसेस उसको भी तो कोई नाम होगा देखो हर चीज होती है हर चीज के बनने की कुछ ना कुछ प्रोसेस प्रक्रिया आपकी होती है उसका नाम भी कुछ होता है तो यहाँ पे भी होता है तो आप उसको या क्या कहोगे भाई या तो हिमोपोइसिस कहोगे या फिर हिमेटोपोइसिस कहोगे क्या कहोगे या तो आप उसको हिमोपोइसिस कहोगे या फिर उसको हिमैटोपोसिस कहोगे ठीक है और ये क्या है आपका भैया ये आपका क्या है ये तो है आपकी स्टडी ये तो है आपकी स्टडी स्टडी ऑफ ब्लड और ये क्या है उसके बनने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ये क्या है प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया ठीक है और ये क्या थी आपका अध्ययन तो आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा तो मैंने अभी तक जो बताया है उसमें कोई डाउट है तो मुझे फटाफट से आप बता सकते हैं बीच में कि भाई मैडम आपका इस चीज में हमको डाउट है तो जल्दी जल्दी से मुझे बता दो और साथ में आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपके जो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा के अंदर मिनरल्स होते हैं क्या होते हैं आपके मिनरल्स होते हैं क्या होते हैं मिनरल्स यानी कि खनिज खनिज वो खनिज कौन से कौन से होते हैं उनके बारे में हम लिख लेंगे पहला आपका होता है सोडियम सोडियम दूसरा आपका होता है अरे दूसरा आपका होता है कैल्शियम दूसरा होता है कैल्शियम तीसरा होता है आपका क्लोरीन क्या होता है तीसरा क्लोरीन होता है और आपका एक लास्ट होता है एच सी ओ थ्री नेगेटिव जो आपको ये ग्रीन में दिख रहे हैं ये एक, एक दो तीन एक दो तीन चार ये आपके क्या हो जाएंगे या आपके मिनरल्स हो जाएंगे खनिज हो जाएंगे ठीक है थोड़ा कर लेना

नाम से पता चल रहा है लाल रक्त करने यानी रंग में कैसी होंगी लाल आपकी होंगी कैसी होंगी लाल आपकी होंगी अब चलो यहां से थोड़ी एक बात कर लेते हैं देखो आपको तब भी ये वर्ड सुनते हो ना आपके दिमाग में आता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता केंद्रक नहीं होता पर क्यों नहीं होता कभी सोचा है क्यों नहीं होता अगर न्यूक्लियस है ही नहीं तो ये बड़ी कैसे हो गई ऐसप होती ही नहीं बिना न्यूक्लियस के बड़ी कैसे हो गई सोचने लायक चीज है ना तो देखो होता क्या है तब आपका एक बच्चा होता है एक इनफेनेंट होता है एक बच्चा होता है इनफेनेंट यानी कि एक बच्चा होता है बच्चे के अंदर ऑर्गन तो सब बराबर होते हैं आपको ये पता है आरबीसी जो आपकी कहा बनती है अस्थि मज्जा में बनती है बोन मैरो में बनती है परंतु बच्चों के अंदर या आपकी बेटा बनती है स्पीलिन में या फिर लीवर में कहा बनती है बच्चों के अंदर या आपकी या तो वो आपकी लीवर यानी कि यकृत में बनेगी या फिर वो आपकी पलीहा में बनेगी स्पीलिन पलीहा ठीक है ये चीज ध्यान रखना है वैसे तो आपकी जो पलिहा होती है उसको आप क्या कहते हो कब्रिस्तान कहते हो आरबीसी का परंतु तो आपके बच्चों के अंदर या आपकी क्या होती है? भी यही होती है 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 तो है भी भी यही ठीक तो तो आपको ध्यान रखना है। तो तब आपके बच्चे होते हैं तो बच्चों के अंदर आपके यहाँ पे बनेगी बात तो ठीक है अब आरबीसी बनी है अब बच्चे आरबीसी की बात कर लेते यानी कि आपका आरबीसी है वो बस बनी बनी है अब वो तब बनी बनी है तो उसके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ठीक है नमस्ते भाई पिंकी नमस्ते वहां पे आपका न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है अब जैसे ही आपका बड़ा होता जाएगा आरबीसी आपका न्यूक्लियस जो है डिजेनरेट होता जाएगा यानी वहां से खत्म होता जाएगा जैसे ही वो खत्म होता जाएगा तो देखो ये चीज ऐसी है अब न्यूक्लियस बिल्कुल मेरे सेंटर में होना चाहिए ना न्यूक्लियस देखो ये ऐसे है ठीक है बराबर आपको दिख रही होगी न्यूक्लियस सेंटर में होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे न्यूक्लियस है अब ये न्यूक्लियस हट जाएगा तो ये ऐसे पिचक जाएगी तो ये ऐसे कुछ शेप बना लेगी यानी कि के हो जाएगी कैसी हो जाएगी के हो जाएगी पहले बिल्कुल ऐसी थी क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस था अब न्यूक्लियस गायब हो गया है तो अब ये कुछ ऐसी हो गई है ठीक है अब न्यूक्लियस गायब होने से होगा क्या कि आपका ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा ज्यादा दूसरी चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा यानी कि आपका मेन रीजन स्टोरेज बढ़ाने के लिए जगह बढ़ाने के लिए इसका ये काम हुआ है ठीक है सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई होगी दूसरी बात अगर मैं कहूं तो आपका ह्यूमन में ह्यूमन्स में और मेल uh, और फीमेल आपके होते हैं मेल और फीमेल तो दोनों के अंदर या आपके आरबीसी की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है क्या होती है भिन्न भिन्न होती है नॉर्मली आपका कितना होता है साढ़े चार से पांच मिलियन आपकी आरबीसी होती है पर मिली पर मिलीलीटर ऑफ आपका ब्लड ठीक है यानी आपका पर हंड्रेड अगर मैं मिलीलीटर ले रही हूँ तो उसके हिसाब से आपका चार साढ़े साढ़े चार से पांच मिलियन होना चाहिए परंतु आपके फीमेल्स के अंदर ये थोड़ा कम होता है वहीं पे आपका आरबीसी जो होता है आरबीसी जो होता है आरबीसी के अंदर आपका एक चीज होती है बिल्कुल शानदार सी चीज जो कि दो चीजों से मिलकर बनी है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन यानी इसके अंदर दो चीजें होती हैं एक तो क्या होती है भाई आपकी एक तो आपकी होती है हीम अरे हीम और दूसरी आपकी होती है ग्लोबिन यानी ये तो आपका है प्रोटीन ये तो आपका प्रोटीन है और ये आपका क्या है एक पिगमेंट आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कैसा पिगमेंट है इसके अंदर लोहा होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ये आपका होता है आपको इस चीज का ध्यान रखना है ठीक है अब ये जो आपका हीमोग्लोबिन है ना इसका कार्य क्या है इसका मैं बताती हूं इस हीमोग्लोबिन के साथ आपके ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है क्या आएगी आपकी ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगी और क्या बना लेगी आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन का जो मेन ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो आरबीसी के अंदर होता है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ही आपका जुड़ता है वहीं पे अगर मैं बात करू आपकी वहीं पे अगर मैं बात करूं आपकी किस चीज की इसके लाइफ स्पैन की कि आपकी कितने दिन तक ये जीवित रहती है तो आपको पता है 120 दिन तक सौ इसका लाइफ तक होता है आपके आरबीसी का वहीं वहीं पे वही पे अगर मैं ये कहूं कि इसका नाश कहां पे होता है डिस्ट्रॉय कहां होती है तो वो आपकी स्पीलन में होती है मैच्योर वाली स्पीलन में होती है कहां होती है स्पीलन में होती है आपका क्या हो जाएगा फिर इसी वजह से आपके स्पीलन को क्या कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है यानी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान आपका कहा जाता है किसको स्पिलन को कहा जाता है अब आपकी बात करूं अगर मैं आरबीसी की तो आरबीसी में कुछ आपकी चीजें होती है जो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए जो कि आपकी बहुत मुझे इंपॉर्टेंट भी लगती हैं ओके और भाई साथ-साथ आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे सबके सब ठीक है जो आपकी सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है वो सबसे छोटी आरबीसी स्मॉलेस्ट आरबीसी चलो यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो हमारे पास ऐसा हो नहीं सकता ना चलो सबसे छोटी आरबीसी सबसे छोटी आरबीसी आपके किस में पाई जाती है आपके मस्क मस्क हिरण के अंदर पाई जाती है मस्क डियर लिख लो इस चीज को लिख लो हां जी बस आपको समझ आ जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा इसके अंदर ठीक है उसके अलावा आपका क्या पूछा क्या जाता है यहाँ से आरबीसी से, से प्रश्न किस तरह के बनते हैं वो मैं बताती हूँ आपसे पूछ लिया जाएगा अगर हीमोग्लोबिन की आपको कमी हो जाए तो आपका कौन सा रोग होता है यानी कि आपका एच यानी कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की कमी के कारण आपका कौन सा रोग होता है तो वो आपका हो जाता है एनीमिया कौन सा हो जाता है एनेमिया हो जाता है किसकी कमी से एच बी की हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है वहीं पे अगर ये बोल दिया जाए कि आपकी आरबीसी जो है उनकी संख्या बढ़ गई है यानी बढ़ गई है ये इंक्रीज का साइन है आपका हाँ इंक्रीज का साइन है ये आपका इसको आप क्या कहोगे भला किसी ने सोचा है आज तक कि अगर आपकी आरबीसी की संख्या मान लो मैंने क्या कहा साढ़े चार से लेके आपका पांच मिलियन तक आरबीसी होती है मिलियन ठीक है अगर इससे ज्यादा आपकी हो जाए तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया सीधी सी बात है एक थैला है उस थैले के अंदर जितना सामान आना चाहिए उससे ज्यादा मैं अगर ठोकूं वो फट नहीं जाएगा दिक्कत नहीं करेगा तो वही इसने पूछा है कि अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो आपका कौन सा रोग होगा अगर किसी बच्चे को पता है तो मुझे फटाफट से आंसर दे सकते हैं जल्दी बताएं। नहीं नहीं चलो ठीक है आरबीसी इंक्रीज हुई है उसके साथ आप मुझे आरबीसी डिक्रीज का बता सकते हैं आरबीसी जो डिक्रीज होती है उस समय पे कौन सा आपका होता है तो देखो अगर आपकी आरबीसी डिक्रीज होती है तो डिक्रीज होने के समय पे आपका होता है इरिथ्रोसाइटोपेनिया क्या होता है इरिथ्रो साइटोपेनिया और वहीं पे तब आपकी ये इंक्रीज हो जाती है तो इंक्रीज होने के समय पे कहा जाता है पोली साइथेमिया हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी कमी के कारण खून की बेटा खून की मात्रा नहीं घटती एक तो पहली बात ये हीमोग्लोबिन को आप इस चीज के साथ मत कनेक्ट करोगे आपका खून की मात्रा घटेगी वो लीटर्स पे फर्क नहीं पड़ता फर्क क्यों पड़ेगा अच्छा हीमोग्लोबिन कम हो गया हीमोग्लोबिन कम होएगा यानी कि आपका कम ऑक्सीजन आपका वहां पे अटैच होएगा हर जगह ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वो एनीमिया होता है आपका लीटर नहीं घटता वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कंफ्यूज नहीं होना इस चीज के साथ आपको ठीक है हाँ वो मैंने यहाँ पे लिखा है आप गोविंद जी अगर चाहे तो थोड़ा बैक करके देख भी सकते हैं मैंने हर चीज आपकी यहाँ पे लिखी है ठीक है जो आपको जरूरी है वो लिखी गई है बकायदा यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या लिखा गया है आप जरा देखें एक बार आंखें खोले और देखें ठीक है हाँ अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूं तो सीधी सी बात है कुछ अच्छा ही कराने आई होंगी है चलो एनीवेज आगे चलते हैं वहीं पे अगर मैं कहूं आपके इन आरबीसी को मापा कैसे जाता है क्या कहा मापा कैसे जाता है तो वो मापा जाने के लिए मापा जाने के लिए क्या होता है भाई आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे आप मापोगे तो सीधी सी बात स्टडी क्या थी हिमेटोलॉजी तो इंस्ट्रूमेंट कैसा हो जाएगा आपका कुछ हिमैटो से शुरू होता हुआ होना चाहिए तो आपका क्या हो जाएगा भाई हिमैटोसाइटोमीटर हिमोसाइटोमीटर हीमोसाइटोमीटर, जिसको आप कई बार हीम साइटोमीटर के नाम से भी जानते हो ही ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा भाई ये आपका इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा अच्छा दिख नहीं रहा क्या दोबारा लिख देती हूं आपका क्या इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मेजरिंग आरबीसी तो क्या हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा हीमो साइटोमीटर ठीक है हीमोसाइटोमीटर आपका हो जाएगा ठीक है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट है जो है ल्यूकोसाइट है जिसको आप डब्ल्यू के नाम से भी जानते हो किसके नाम से जानते हो डब्ल्यू के नाम से जानते हो अब डब्ल्यू बी सी की मैं बात करूं तो आपको पता है इनको एक चीज कहा जाता है आपके सैनिकों का नाम इसको दिया जाता है शोल्डर ऑफ योर सेल्स कहा शोल्डर्स शोल्डर्स कह रहे हो शोल्डर्स ऑफ योर सेल कहा जाता है सैनिकों का एक काम कहा जाता है क्यों रीजन कोई ऐसी चीज जो ये करता हो है कुछ ऐसा तो भाई बिल्कुल है ऐसा क्योंकि ये क्या करता है आपका जो ये ल्यूकोसाइट होगा जिसको आप व्हाइट ब्लड सेल कहते हो पहली बात तो आपके ये करते हैं रोग प्रतिरोधता क्षमता को बढ़ाने के लिए यानी आपकी इम्यूनिटी जो है इनकी वजह से बढ़ती है अगर आपके कभी नॉर्मली टेस्ट कराने जाते हो तो क्या बोलते हैं डब्ल्यू काउंट बढ़ गया क्या बढ़ गया डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया यानी कि आपके शरीर में कुछ इंफेक्शन हुआ है और उस इंफेक्शन से लड़ने के लिए बहुत सारे डब्ल्यूबीसी बन गए हैं अब आपके उस बैक्टीरिया का खात्मा ये कर देंगे ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा ओके गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून अर्शदीप सिंह जी गुड आफ्टरनून ओके Okay. Hmm. okay. तो आगे चलते हैं इसी के साथ भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे आपके रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं था इसके अंदर न्यूक्लियस होता है पर ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपका जीता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है तो आगे मैं बताती इसके बारे में हाँ. तो सबसे पहले ये आपको याद क्या रखना है कि डब्ल्यू बी सी जिसको आप शोल्डर कहते हो वो आपके दो टाइप के होते हैं एक होते हैं वाले एक होते वाले. होते है? एक होते हैं 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 वाले कौन से एक एक ग्रैनुलोसाइट आपके अग्रेनो होते हैं जिसको आप कहते हो एक कणिकाणु होते हैं और दूसरे तथा आपके अकण कोशिका होते हैं अब मैं बात करू आपके कणिकाणु की तो जो आपके कणिकाणु होते हैं वो आगे तीन भागों में विभाजित होते हैं जो है आपके न्यूट्रोफिल neutrophil फिल और आपका बेसोफिल ये आपका क्या हो जाएगा भाई ये आपका ग्रेनुलट हो जाएगा आपका कणिका वाला हो जाएगा और बचे हुए ये दो आपके अकणिका वाले हो जाएंगे अब इनके बारे में आपके पेपर में ज्यादा पूछा नहीं जाता है पर इतना पूछा जा सकता है कि भाई आपके डब्ल्यू बी उनके सेल के टाइप बताओ हमें कि आपके डब्ल्यू के टाइप कौन से कौन से हो सकते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं देखो हर किसी का अलग अलग कार्य होता है ठीक है अगर मैं बात कर रही हूं आपके लिम्फोसाइट के तो लिम्फोसाइट आप क्या क्या करता है कोई आपका जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये काम करता है ट्यूबर वाले सेल हो जाते हैं उनके अगेंस्ट ये काम करता है वहीं पे न्यूट्रोफिल और और आपके मोनोसाइट की मैं बात करूं तो ये अलग अलग एजेंट के खिलाफ कार्य करते हैं और ये आपका है होमवर्क तो आप मुझे कल बताओगे या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा सेल कौन से पैथोलॉजिकल एजेंट के अगेंस्ट आपका लड़ता है यानी कि आप सुनते हैं कि आपके कवक वाली बीमारी हो गई बैक्टीरिया वाली बीमारी हो गई ठीक है या फिर वायरस वाली बीमारी हो गई तो कौन सी चीज के लिए ये कोशिकाएं कौन सी किसके लिए लड़ती है यानी इनका दुश्मन कौन है यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है ओके okay. तो भाई इसी के साथ थोड़ा आगे चल लेते हैं आपका इसके बारे में आगे क्या चलेंगे कहा गया वो नहीं प्लेटलेट्स वही आगे चलो पीछे ही रहते हैं क्योंकि थोड़ा बाकी है आपका अगर मैं बात करूं आपके डब्ल्यूबीसी की पेन चेंज कर लेती हूँ ये तो दिखेगा नहीं चलो आरबीसी की बात करती हूँ आरबीसी की और फिर बात करती हूँ डब्ल्यूबीसी की अगर इन दोनों का मैं अनुपात निकालू तो आपका अनुपात क्या होता है तो वहां पे आपकी जहां पे आरबीसी 600 होती है वहां पे डब्ल्यू बी सी एक होती है तो आपका अनुपात है तो 600 से एक कर सकते हो या एक से 600 कर सकते हो यानी डब्ल्यू बी सी एक होगी उसके बराबर में 600 आपकी आरबीसी होगी आपका क्या है अनुपात होता है मैंने आपको बताया था कि आपकी आरबीसी के बनने की प्रोसेस को आप क्या कहते हो तो आपकी डब्ल्यू बी सी की बनने की प्रोसेस को भी आप कुछ ना कुछ नाम लोगे तो डब्ल्यू बी सी तब आपकी बनती है आप उसको क्या कहते हो ल्यूकोसाइटोसिस कहते हो क्या कहते हो फॉर्मेशन फॉर्मेशन को आप क्या कहते हो फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू क्या कहलाती है ल्यूको साइटोसिस ठीक है अब मैंने आपको बताया था आरबीसी बढ़ गई घट गई तो डब्ल्यूबीसी भी तो बढ़ सकती है मान लो आपकी आरबीसी बढ़ गई आरबीसी बढ़ गई उसको क्या कहोगे और आपकी आरबीसी घट गई उसको क्या कहोगे अगर आपकी आरबीसी बढ़ जाती है तो आप उसको कहोगे ल्यूकेमिया, क्या कहोगे ल्यूकेमिया, जिसको आप ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हो किसके नाम से ब्लड कैंसर और वहीं पे आप आरबीसी के घटने को क्या कहोगे ल्यूकोपेनिया ल्यूकोपेनिया ਲੂਕੋ ਪੇਨੀਆ ल्यूकोपेनिया के अंदर आपकी डब्ल्यू जो है घट जाती है ठीक है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई है यहाँ से आपके प्रश्न जो है पूछे जाने की मतलब बहुत ज्यादा संभावना है कहीं से इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं पूछा जाएगा आपसे कि बताओ इसमें क्या होगा क्या नहीं उसका इंटरनल बताओ एक्सटर्नल बताओ नहीं जो आपकी मेन चीज है उस पर फोकस करे टाइम वेस्ट ना करे और चीजों पर ठीक है तो उसके आगे अगर मैं चलू तो आपका क्या आ जाएगा देखो इस चीज को नोट डाउन कर लेना फोर ए सेकंड में अलग हो गई प्लीज राइट इट डाउन इंपॉर्टेंट है आपका आपका रोग पूछा जाता है ठीक है आपका आरबीसी बढ़ रहा है घट रहा है किस चीज की कमी से कौन सा रोग हो रहा है वो पूछा जाता है तो प्लीज इसको करें ठीक है और मुझे थम्सअप भेजें अगर आप सबका क्लियर हो गया है अगर आप सबको एक साथ साथ क्लियर हो रहा है तो मुझे एक थम्सअप जरूर भेजें कि हाँ जी मैडम थम्सअप हो गया है अगला प्रश्न अगले प्रश्न कह रही हूँ आदत हो गई ना मैराथन लेने की अगले टॉपिक पर चलते हैं आपका फोम एलिमेंट का देखो अब आपका डब्ल्यू हो गया आरबीसी हो गया अब तीसरा बचा प्लेटलेट जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है आपकी अब कैसे उसकी बात कर लेते हैं कैसे होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं अरे गोविंद सिंह जी काम करें आप ही आगे पढ़ा ले है? चलो कोई नहीं एनीवेज आगे चलते हैं प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से आपके डब्ल्यू बीसी को, RBC को कहा गया RBC को, WBC को, आप कहा गया आरबीसी ठीक bon, थी, वैसे डब्ल्यू आपकी वहीं पे बनती है डब्ल्यू भी आपकी बोन bon मैरो में बनती है ये बनती है आपकी मैगाट्स में कहा बनती है मैगाट्स में बनती है और ये मैगाट आपके बोन मैरो के अंदर ही होती है कहाँ होती है बोन मैरो के अंदर एक खास तरीके के सेल होती हैं कोशिका होते हैं जिनका नाम होता है मैगोकैरियोट्स और वो मैगा कैरियोट्स आपके प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं ठीक है नेक्स्ट क्लास कब है uh, देखते हैं भैया तब आप चाहोगे तब आप बुलाओगे तभी तो हम आएंगे है ना तो उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स है आपके शरीर के खून का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा वो कैसे क्योंकि इसके अंदर होते हैं आपके फाइबर्स क्या होते हैं आपके प्लेटलेट्स आपके फाइबर्स होते हैं इसके अंदर जिसकी वजह से आपके ब्लड का कोग्युलेशन और क्लोटिंग होती है यानी कि स्कंद आपका बनता है ताकि आपका रुधिर जो है ज्यादा बाहर ना बहे ठीक है तो भाई वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा कि आपका आरबीसी देखो ये बात तो आप सबको पता है कि आपका आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता केंद्रक नहीं होता डब्ल्यू के अंदर होता है क्या कह रही हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना बिल्कुल जितना ध्यान हो सकता है उतना ध्यान लगा के सुनना मैं तो कहूंगी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता केंद्रक नहीं होता डब्ल्यू के अंदर केंद्रक होता है केंद्रक होता है क्या प्लेटलेट्स के अंदर क्या प्लेटलेट्स के अंदर आपका केंद्रक होता है या नहीं होता कोई बता सकता है मुझे कोई बता सकता है मुझे तो भाई आपकी प्लेटलेट्स है वो नॉन होती है 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 यानी इनके अंदर भी आपका न्यूक्लियस जो है, जो केंद्रक नहीं होता है ठीक है तो ध्यान रखना है इस चीज का आपको कि इनके अंदर किसी भी प्रकार का आपका केंद्रक नहीं होता है यहाँ पे तो ये भी आपकी आरबीसी के जैसे होती है ठीक है यानी कि पहले होता है बाद में चला जाता है डिजनरेट हो जाता है तो भूलना नहीं है इस चीज को ठीक वैसे जैसे कि आपके आरबीसी थे आरबीसी थे आरबीसी घट बढ़ रहे थे क्या यहाँ पे भी घटना बढ़ना होगा घटना बढ़ना होगा तो अगर मैं बात कर रही हूं प्लेटलेट्स की तो यानी कि अगर प्लेटलेट प्लेटलेट आपकी घट बढ़ रही है और फिर दूसरे नंबर पे आपकी ये घट रही है तो आप उसको क्या नाम दोगे क्या नाम दोगे भाई अरे विटामिन सी अरे गोविंद जी शुक्रिया देखो जैसे आपका अगर प्लेटलेट बढ़ रहा है तो आप कहोगे थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या कहोगे थ्रोम्बो थ्रोम्बो साइटोसिस और इसको क्या कहोगे थ्रोम्बोपेनिया क्या कहोगे थ्रोम्बो थ्रोम्बो आप, उसको कहोगे। ये शब्द ध्यान से आप लिख लें ठीक है वो प्लेटलेट्स काउंट घटने का, का अर्थात पता किस चीज से होता है कि अगर आपको किसी तरह से किसी भी तरह से अगर कोई गलती से कट लग जाएगा ना आपकी स्कंद बहुत लेट बनेगा ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा तो आपका इसी वजह से क्या होता है अः ओ माय गॉड अनुज शर्मा तो कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया चलो कोई नहीं आगे चलते हैं इसी के साथ आगे बताती हो क्योंकि आप प्लेटलेट्स के बारे में अच्छे से इसमें कौन सा एंजाइम होता है कैसे क्या होता है कोगुलेशन में पढ़ोगे अभी पढ़ोगे अभी ठीक है तो आगे चलते हैं इसी के साथ आगे क्या है आपका कोगुलेशन है यानी कि आपका स्कंद बनने के प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि स्कंद किस तरह से बनता है तो आपने कई बार देखा होगा कि आपको ऐसे चोट वोट लग जाती है ना आपको ऐसे रेड रेड सा आ जाता है है ना मतलब जिसको आप बोलते हो खुरंड आ जाना हम हम तो भाई खुरंड बोलते हैं तुम्हारा मुझे पता नहीं लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे बता सकते हैं क्या आप लोग बोलते हैं और वहीं पे ओके नहीं भैया मैंने नहीं देखी टाइम नहीं लग रहा ना चलो तो आपका स्कंद जो है ब्राउन जो स्कम है ये आपका कैसे बनता है ये आपका प्लेटलेट्स के वजह से बनता है किसकी वजह से बनता है प्लेटलेट्स की वजह से बनता है प्लेटलेट्स की वजह से कैसे बनता है इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको ठीक है अगर लिखा होगा तो ठीक है अदरवाइज मैं बता ही रही हूँ तो आपके प्लेटलेट्स के अंदर एक चीज होती है क्या होती है एक चीज होती है वो एक फाइबर का आपको सिक्रेशन करता है जिसका नाम होता है फाइबरिन जिसका नाम होता है फाइबरिन यहाँ पे कहीं लिखा है यहाँ लिखा है फाइबरीन. फाइबरीन. और ये जो है ये कुछ ऐसा होते, ये धागे की तरह होता है और एक जाल की संरचना कर लेता है जहां पे भी चोट होती है वहीं पे आपका संरचना बना लेगा एक के ऊपर एक दो के ऊपर एक, एक ऐसे बना के पूरा जाल बना लेगा फिर उसमें आपकी आरबीसी अटक जानी है वहीं पे वो आरबीसी को रोक लेगा फंसा लेगा रोक देगा तो वहां पर आपका इसी वजह से स्कंद मोटा बन जाता है ठीक है ओके okay, तो भाई इस चीज को छोड़ो जो पढ़ा रही हूँ उस चीज पे ध्यान दो मूवी देखने के लिए बहुत सारा टाइम आप लोगों के पास होगा पर इधर नहीं हो पाएगा ठीक है तो आपका कोगुलेशन कैसे होता है भाई फाइब्रिन फाइब्रिन की वजह से आपका कोगुलेशन होता है तो क्या ये इकलौता अकेला ही काम करता है क्या यहाँ पे कोई और कार्य नहीं करता फाइब्रिन के अलावा तो भाई फाइब्रिन जो है ना किसकी बात मैंने की आपकी फाइब्रिन की कही है फाइब्रिन क्या अकेला होता है आपका चलो इसी के बारे में देख लेते हैं अरे आ जाओ भैया मैंने कहा फाइब्रिन फाइब्रिन क्या होता है आपके ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है क्या ये अकेला कार्य करता है नहीं क्या ये फाइब्रिन ऐसे ही होता है नहीं ऐसे नहीं होता है ये आपका एक्टिव बाद में होता है कैसे होता है एक्टिव बाद में होता है ऊपर एक्टिव में स्टेज में कौन सा होता है चलो उसकी बात कर लेते हैं एक बार कि आपका <coughs> 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 कल जिसने किसके लिए बोल रहे हो फाइब्रिन और फाइब्रिन कह रहे हो आशु जी एक किसके लिए बोल रहे हैं आप ये ऐसी होती जाती रहती है कोई चीज नहीं है कोई बड़ी चीज नहीं नहीं है ऐसे पता नहीं कितने, नहीं, कितने जन जाते हैं हर किसी की बात पे अगर हम ध्यान देने लग गए याद रखने लग गए तो हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं जहानुम हो जाएगी इसलिए माफ करो और आगे बढ़ो है ना तो छोड़ो उस चीज को छोड़ो आगे यहाँ पे आ जाते हैं वापिस से आपके ब्लड कोग्युलेशन जो होता है वो कैसे होती है देखो मैंने कहा फाइब्रिन होता है वो फाइब्रिन आपका कैसा होता है एक्टिव होता है क्या वो ऐसे ही होता है नहीं होता पहले एक चीज होती है आपकी वो होती है फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन ये आपकी होती है इनएक्टिव स्टेट ये कैसी होती है आपकी इनएक्टिव स्टेट यानी कि सक्रिय नहीं होती इनएक्टिव यानी कि असक्रिय ठीक है अब यहाँ पे यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा तब ये एक्टिव होएगी ये फाइब्रिनोजन इस एक्टिव स्टेज से एक्टिव एक 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 स्टेज में कैसे जाएगी वो जाएगी एक एंजाइम की वजह से कौन से एंजाइम की वजह से जाएगी उसकी हम बात कर लेते हैं एक एंजाइम होगा जिसका नाम होगा थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन और उसकी वजह से आपका ये क्या बन जाएगा अभी फाइब्रिन क्या ये थ्रोम्बिन एक्टिव था भाई ये भी बहुत शाना है देखो इसका चक्कर समझाती हूँ कैसे उल्टा पुल्टा चल रहा है यहाँ पे अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस थ्रोम्बिन की तो थ्रोम्बिन भी पहले आपकी इनएक्टिव स्टेज में होता है ठीक है तो आपकी क्या होती है इनएक्टिव स्टेज में होती है जिसको आप क्या कहते हो प्रोथ्रोमबिन प्रोथ्रोमबिन अब ये प्रोथ्रोम्बिन इसको कौन एक्टिवेट करता है इसका फूफा कौन है भैया तो इसका फूफा है थ्रोम्बोकाइनेज। अरे सारा मिट गया ये क्या हो गया धोखा धोखा दिल टूट गया यार ये गलत बात है यार ये किसने नजर लगाई है कितनी गलत बात है ऐसे थोड़ी होता है कितने मुश्किल से मैंने लिखा था चलो कोई बात नहीं हम दोबारा लिख लेते हैं देखो मैंने क्या कहा आपका फाइब्रीन फाइब्रीन कहा से आया आपका फाइब्रीन कहा से आया वो आया इनएक्टिव इनएक्टिव फाइब्रीनोजन से फाइब्रीनोजन से ठीक है वो कन्वर्ट हो गया फाइब्रीन में अब इसको इनएक्टिव को इधर करने के लिए आपका एक एंजाइम होता है उसका नाम होता है थ्रोम्बिन उसका नाम क्या होता है यहाँ पे थ्रोम्बिन यानी यहाँ पे क्या काम कर रहा है थ्रोम्बिन अब ये थ्रोम्बिन जो होता है ये खुद आपका इनएक्टिव पड़ा हुआ होता है तो इसको एक्टिव करने के लिए कौन सी चीज चाहिए होती है तो इसको एक्टिव करने के लिए आपकी होती है प्रो थ्रोम्बिन अब इसको यहाँ पे कौन एक्टिवेट कर रहा है इसको एक्टिवेट कर रहा है थ्रोम्बोकाइनेज कौन कर रहा है थ्रोम्बो काइनेज दिखेगा नहीं थ्रोम्बो काइनेज अब देखो आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना इसके साथ मैं बताती हूं सीन क्या है आपको लगती है चोट क्या लगती है चोट आपके थ्रोम्बोकाइनेज को आता है गुस्सा किसको गुस्सा आएगा

मेरे को चांटा मारना ना मैं भी किसी को मारूंगा तो ये आपका चांटा मारेगा इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को चल खड़ाओ, तू, अब तू काम करेगा मेरा छोटा इसको, तो इसको फाइब्रिन बन के कार्य करना पड़ा आपका तो सीधी सी बात है आपका कैसे होता है तब भी आपको खून की खून खराब होता है चोट लगती है आपको क्या होता है चोट लगती है तो सबसे पहले आपका थ्रोम्बो काइनेज काम करेगा और थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा आपके प्रो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा अब आपका जो थ्रोम्बिन बना है इस थ्रोम्बिन का कार्य क्या होगा ये करेगा आपका फाइब्रिनोजन को अरे इसको दूसरा लेती हूं ये क्या करेगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा और ये आपका क्या हो हमको पढ़ना कौन सा है कौन सा नहीं करना है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगता है बट कंफ्यूज नहीं होना है देखो ये आपकी कार्य करने की प्रणाली पहले थर्मबोम थ्र, थ्र, काम करेगा थ्रोमो थ्रोम बो, थ्रूं -बो। प्रोथ्रोम्बोन क्या थ्रोमोकाइनीस क्या करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा अब थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा फिर फाइब्रिन आपका इवेंचुअली क्या बना लेगा सकन बना लेगा कोगलेट कर लेगा ये क्लियर है ये क्लियर है अनुज शर्मा देखो आपकी फीस कुछ भी हो आज आपको ऑफर मिल रहा है आज आप नाइन नाइन रुपीज में सिर्फ सिर्फ नाइन 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 में नौ सौ निन्यानवे के अंदर कोर्स बाय कर सकते हैं वो भी कोड लगाना पड़ेगा आपको उसके लिए और कोड आपका क्या रहेगा वाई यहां लिख देती हूँ वाई फोर फोर थ्री आर ये आप कोड लगाओगे तो आपको नौ सौ निन्यानवे में हर चीज आपको वहां पे मिल जाएगी

कोग्युलेशन नहीं होगी कोग्युलेशन नहीं होगी वहीं पे आपकी अगर बात करूं मैं किस चीज की कैल्शियम के आयन की ये दोनों पे प्रश्न आपके बनते हैं बहुत बार पूछे गए हैं कि आपकी इनमें से कभी तो खनिज पूछ लिया जाता है खनिज पूछ लिया जाए मिनरल पूछ लिया जाए तो कैल्शियम वाइटमिन पूछ ले तो वाइटमिन के आपको इस चीज का ध्यान रखना है बाकायदा अच्छे से हाँ सबके लिए नाइन नाइन रुपीज है बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए नाइन नाइन रुपीज है ठीक है तो भाई इसका ध्यान रखना है आपको कि विटामिन के और कैल्शियम के आयन आपके बहुत इंपॉर्टेंट और ये आपका बनता कहां है विटामिन के ये आपका लीवर में बनता है कहां बनता है लीवर में बनता है और विटामिन के का सीन क्या है अगर विटामिन के नहीं होगा तो आपके फाइब्रिन का जो निर्माण होता है वो नहीं हो पाएगा ठीक है तो ध्यान रखना इस चीज का बिल्कुल बहुत अच्छी बात यहां पे राम ने कही है कि देखो भूला बटका कभी भी घर आ जाए ना तो कोई इसमें देर वेर होती नहीं है सुनियो होगी ऐसी कहावत तो कि अगर सुबह का भूला रात को आ जाए तो अंधेर नहीं देर नहीं है ना तो कोई भी काम आप शुरू करते हैं ना तो उसके लिए कभी लेट नहीं होता कभी भी लेट नहीं होता एक बार शुरू तो करके देखो हिम्मत तो दिखाओ अपने आप हो जाना है थोड़ी सी हिम्मत थोड़े से एफर्ट बस हो जाएगा थोड़ी सी मैंने थोड़ी सी हिम्मत अपना काम बिल्कुल डन डना डन है ना चलो ठीक है इसके आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं हम अब इस कोगुलेशन पे ही रहते हैं एक मिनट के लिए आ जाती हूँ वापस एक एक चीज रह गई बताने बिल्कुल बस एक चीज छोटी सी देखो ये आपका ब्लड कोगुलेट कर रहा था अगर इस ब्लड को आपके बॉडी के अंदर कोगुलेट होना हो तो सोचा है कभी कि कोगुलेट क्यों नहीं होता खून शरीर में ही जमा क्यों नहीं हो जाता वो इसलिए क्योंकि आपके शरीर में होता है हिपेरिन हैपरिन जिसको आप कहते हो ठीक है ये आपका क्या होता है एंटीकोगुलेंट होता है यानी कि स्कंद विरोधी होता है हिपेरिन हिपेरिन आपके खून के अंदर होता है और उस खून की इस की वजह से आपका कभी भी स्कंत नहीं बनता है आपकी वेन्स में वाहिकाओं में आपकी सिराओं में ठीक है पहली बात ये और दूसरी बात ये कि आपसे कई बार पूछा जाता है आपकी जोक सुने जोक लीच उसके सलाइवा में उसके सलाइवा के अंदर आपकी एक ऐसी ही चीज होती है जैसे आपके खून के अंदर आपका होता है उसके सलाइवा के अंदर होता है हिरुडीन। क्या होता है आपका हीरोडीन तो याद रखना है आपको ठीक है ये ध्यान रखना है और याद रखना है ये पूछा जाता है हिपेरिन कहां होता है आपके ब्लड के अंदर ह्यूमन ब्लड के अंदर इंसान के खून के अंदर और वहीं पे हिपेरिन का या कहा होता है लीच के सलाइवा में यानी कि जोक के सलाइवा में आपका ये होता है जोक की लार में आपका हीरोडीन होता है और इंसान के खून में हिपेरिन होता है प्रश्न पूछे जाने की बहुत सी संभावना यहाँ से है ठीक है तो अगले प्रश्न अगले प्रश्न कह रही हूं मैं यहाँ पे अगले चीज पे चलते हैं जो आपका अगला टॉपिक है आपका ब्लड जो है कंप्लीट हो जाएगा आज ठीक है बेटा देखो अगर यहाँ से ब्लड पढ़ लिया ना आपने बाय गॉड एक प्रश्न भी आपका रह जाए ना बता देना मुझे हर वो चीज जो आपके पेपर में एलडीसी वाले में पूछी जा सकती है पूछी गई है सब मैंने कवर किया है और फालतू की चीजें नहीं पढ़ाऊंगी मैं जो आएगा जो आ सकता है सिर्फ वही फालतू नहीं ठीक है गुड आफ्टरनून जी तो गुड आफ्टरनून अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह ऐसी आदत प्रश्न प्रश्न ये रहता है चलो ठीक है है अगला टॉपिक आपका ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप का रक्त समूह का जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊंगी साथ में ये भी बता देती हूँ आपका ब्लड ग्रुप है आपको पता है ब्लड ग्रुप आपका कैसे डिसाइड होता है क्यों डिसाइड होता है मैं बताती हूँ आपकी आरबीसी होते हैं बेटा क्या होती है आपकी

कंटीजन कहते हो उसके ऊपर भी आप आरएच नेगेटिव पॉजिटिव आप लगाते हो तो आपको जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं दो प्रकार के ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह एक आपका एबीओ एबीओ वाला एक आर एच वाला तो पहले आप पढ़ लेंगे एबीओ के बारे में हम पढ़ लेंगे तो एबीओ पे अगर मैं चलूं तो यहाँ पे देख सकते हो आप बड़ा अच्छा सा यहाँ पे मैंने कुछ लगा रखा है है ना भाई ऐसे तुम देखो इधर आके से कमेंट सेक्शन में ना थोड़ा गंदकम पेला करो ठीक है पढ़ लो बेटा पेपर में आ जाएगा ये मैं बता रही हूँ आपके ना बायो के अंदर ना साइंस के अंदर ये जो ब्लड करा रही हूँ ना इधर से एक प्रश्न भी छूट जाए ना मुझे बता देना पर ध्यान शर्त ये है ध्यान से पढ़ोगे तो चलो ठीक है हम आपकी आ जाते हैं एबीओ ग्रुपिंग पे आ जाते हैं अब एबीओ ग्रुपिंग मैंने कैसे बताई आपकी कि आपके जो आरबीसी होते हैं ना उस आरबी के ऊपर होते हैं आपके एंटीजन तो सबसे पहले तो ये जान लो आपके एंटीजन क्या होते हैं आपके एंटीजन क्या होते हैं एंटीजन एंटीजन और एक चीज जान लो एंटी बॉडी देखो एंटीजन वो होते हैं एक ऐसे आपके केमिक केमिकल तो आप नहीं कहोगे एक आपके ऐसे पार्टिकल्स होते हैं आपके शरीर के अंदर जो आपका अगर कुछ बाहर से आ रहा है ना उस पर रिस्पोंड करते हैं क्या करते हैं रिस्पोंड करते अरे अरे बेटा आशू क्या कहें आपको पता है आपका जो 25 से 25 से 30 नंबर तक आता है एल के अंदर साइंस <laughs> कहा हुए हो हा ये तो लोल हो जाएगा पता चले साइंस ही नहीं और चले गए पेपर देखने के लिए फिर वहां पे देख रहे हो अरे ये क्या हुआ साइंस आई हाँ हुई है बेटा मजाक नहीं करो तुम मेरे साथ चलो ठीक है आगे बढ़ लेते हैं एंटीजन वो होते हैं आपके एक तो पहली बात है प्रोटीन के बने हुए होते हैं दोनों ही प्रोटीन के बने हुए होते हैं एंटीबॉडी भी और आपके एंटीजन भी आपके ये होते कि आपके आ, इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करने के लिए होते हैं ठीक है क्या होते हैं आपके इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करने के लिए होते हैं आपके शरीर के अंदर आरबीसी आपकी होती है आरबीसी के ऊपर ए बी करके आपकी एंटीजन प्रेजेंट होती है वहीं पे एंटीबॉडी क्या बनती है जैसे आपका एंटीजन जरूरी नहीं है कि शरीर के अंदर ही हो कई बार आपके शरीर से बाहर आपका जो बॉडी है उस बॉडी के बाहर से कोई चीज आपकी एंट्री कर जाए उसको भी आप एंटीजन ही कहते हो यानी कि फोरन पार्टिकल भी आप इसको कह सकते हो ठीक है बाह्य कण भी आप इसको कह सकते हो बाह्य कण के इस विरोध में एक चीज बनेगी आपकी वो होगी एंटीबॉडी वो क्या बनेगी आपकी एंटीबॉडी बनेगी उस एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ लड़ेगी ठीक है उसको आपको बाहर शरीर से निकाल देगी ठीक है ये चीज ध्यान रखनी है आपको अब यहाँ पे आ जाती हूँ मैं वापस जो मैं पढ़ा रही थी वहां पे कि आपके शरीर के अंदर होता है आरबीसी आरबीसी के ऊपर होती है आपकी ए और बी नामक एंटीजन दो हो सकता है कि एक आरबीसी पे आपकी सिर्फ एक एंटीजन हो ए वाली हो सकता है आपकी सिर्फ बी वाली हो और हो सकता है दोनों ही ना हो और हो सकता है दोनों ना हो एक दोनों भी हो चार केस आपके बनते हैं एक तो ए होगी बी होगी ए बी दोनों होगी और एक भी नहीं होगी चार केस बन गए अब इस चार केस के ऊपर आपके चार ब्लड ग्रुप बनते हैं अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ अगर आपके शरीर के अंदर कोई दोनों की दोनों एंटीजन है तो आपका होगा ए बी अगर आपका सिर्फ ए एंटीजन है तो आपका होगा ए अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो मतलब सिर्फ वहां पे बी एंटीजन आपकी है अब यहां से एक चीज बनती है मैं बताती अगर आपकी एंटीजन ए है ना शरीर में तो उसकी जान लो मान लो एंटीबॉडी बी होगी तो एंटीजन ए है एंटीबॉडी यहाँ पे की होगी अगर आपकी बी होगी अब यहाँ पे बी में देखो बी में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी इसके अपोजिट वाली होगी यानी कि आपकी एंटीबॉडी ए ए होगी वहीं पे पे अगर आपकी आपकी ब्लड ग्रुप है वहां पे आपकी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी ए भी नहीं होगी क्योंकि मान लो ए वाले ने ब्लड दे दिया तो आपका बी वाली रेडिकेट कर देगी है ना ए खुद वालों को तो रेडिकेट होने हो, मतलब होने नहीं दे सकती इसी वजह से कोई आपकी एंटीबॉडी नहीं होती और की मैं बात करूं यहाँ पे कोई एंटीबॉडी आपकी एंटीबॉडी जो है दोनों होती है आपकी ए भी होती है और आपकी बी भी होती है क्या होती है ए बी होती है और आपकी बी भी होती है तो ध्यान रखना आपको इस चीज का ठीक है एक चीज और बता देती हूं यहां से कई बार जो पूछी जाती है रक्त समूह A, D, A, B, AB, O. यहां पे एंटीजन कौन सी होगी आपकी एंटीजन कौन सी होगी और एंटीबॉडी अगर यहां पे ए रक्त समूह है तो यानी यहाँ पे एंटीजन ए एंटीबॉडी बी एंटीजन बी एंटीजन तो यानी एंटीबॉडी ए अगर रक्त समूह ए बी है तो यानी वहां पे आपका एंटीजन दोनों हो जाएंगी ए और बी दोनों हो जाएंगी और एंटीबॉडी वहां पे कोई नहीं होगी और ओ ब्लड ग्रुप है यानी कोई एंटीजन नहीं है वहां पे आपकी एंटीबॉडी दोनों होंगी तो यहां से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है यूनिवर्सल डोनर का और यूनिवर्सल रिसेप्टर का यानी कि आपका सार्वदात्रिक ग्राही और सार्व दा, दाता है ना सार्वभौमिक दाता और ग्राही अगर सार्वभौमिक दाता की मैं बात करूं तो देगा कौन यानी शरीर पे एंटीजन ही नहीं है अब एंटीजन होगी ही नहीं तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं किसी शरीर पे तो यानी किसी को भी दे दो एंटीजन है नहीं कोई रिएक्शन नहीं होगा तो आपका दाता कौन हो जाएगा भाई दाता कौन हो जाएगा जरा जल्दी से बताओ मुझे जल्दी से बताओ तो ये आपका क्या हो जाता है सार्वभौमिक दाता हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके ए बी ब्लड ग्रुप की यहां पे देखो कोई एंटीबॉडी नहीं है यानी कुछ भी ब्लड ग्रुप आप डाल दो उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा यहां पे तो आपका इसका कुछ था नहीं इसलिए कुछ नहीं हो रहा था वहां पे एंटीबॉडी नहीं है तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ग्राही ग्राही और कौन से ग्राही सार्वभौमिक सार्वभौमिक ठीक है ये आपके ग्राही हो जाएंगे सार्वभौमिक ग्राही ए बी सार्वभौमिक दाता ओ हो जाएगा यहां से प्रश्न आपका उठ के आता ही आता है ओके वेरी गुड वेरी गुड जीतू वेरी गुड अश्विनी देर इज अ गर्ल जिसका नाम है ऐसे करके एंड यू टू ठीक है चल जाता है, इतना तो चलो ठीक है आगे चलते हैं इसी के साथ आपका आगे आता है आर एच ब्लड ग्रुप अब पहली बात प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से आया है तो आर एच जो है ये एक आपका एंटीजन होता है जो कि आपके बंदर, बंदर के ऊपर पाया जाता है बंदर के ब्लड ग्रुप में यह पाया जाता है आपका ठीक है ये आपके इंसानों में भी पाया जाता है इसीलिए बंदर कौन सा था आपका रीशियस कौन सा था आपका रीशियस बंदर था इसी वजह से हम उसको आरएच एंटीजन देते हैं अगर आपके शरीर में आरएच प्रेजेंट है तो आप कहते हो कि आपका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव अगर आपने कहा कि आपके आरएच एच वहां पर नहीं है तो आप कहोगे ब्लड ग्रुप आपका नेगेटिव यानी कि अगर मैंने कहा मेरा ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव यानी कि मेरे अंदर वो आपका एंटीजन नहीं है ठीक है और आपकी फिर बात आती है एक जगह पे यहां से एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है अब आपको आप कहोगे मैडम यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे तो यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हाँ देखो अब मैंने कहा है कि आपका ए ब्लड ग्रुप है एक आपका बी ब्लड ग्रुप है एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं नहीं दे सकते ठीक वैसे ही एक आपका पॉजिटिव है एक आपका नेगेटिव है क्या वो ब्लड ग्रुप एक दूसरे को दे सकते हैं नहीं नहीं दे सकते हैं भैया बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं तो आपका यहां से एक चीज बनती है क्वेश्चन बनता है बहुत ही ज्यादा जरूरी जरूरी सा तो वो जरूरी क्या है आपका क्योंकि पहली बात तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी ब्लड ग्रुपिंग है वो हुई कैसे तो चीज याद रखना ब्लड ग्रुपिंग है ठीक है एक तो है आपकी ए बी ओ वाली एक है आपकी आर एच वाली ठीक है एबीओ वाली लैंड स्टीनर ने दी थी कार्ल लैंड स्टीनर और आरबीसी किसने दी थी कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने और वीनर ने दी थी एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है इसके अलावा जब पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जाएगा आपका अगर मैं आर एच की बात करूं क्योंकि ब्लड ग्रुप में एबीओ की बता दी है तो इसकी मैं बता रही हूं आपको ठीक है यहां से आपका पूछा जा सकता है कि आर एच में एक स्पेशल केस होता है एक स्पेशल केस होता है जिसके अंदर आपकी जो मदर होती है ना मदर होती है वो आपकी नेगेटिव होती है आर एच नेगेटिव है और उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है आपकी ये क्या है मदर मम्मी मदर आर एच नेगेटिव है वो गर्भवती है और उसके गर्भ में जो बच्चा है वो कैसा है वो आर एच पॉजिटिव है ये आपका बच्चा है तो वहां पे एक विकार आता है भैया आपका किसी ने अगर सुना हो तो किसी ने सुना है ओके ओ पॉजिटिव है वेरी गुड भाई ओ पॉजिटिव मतलब किसी को भी दान दे सकते हो आप तो है ना तो आपका यहां पे केस बनता है जिसको आप कहते हो इरिथ्रोसिस इरिथ्रो ब्लास्टोसिस ये आपका पेपर में पूछा जाता है ये आपका पेपर में पूछा जाता है भैया कि आपका जल्दी से मुझे बता दो या आपको आता है या नहीं है ए भी लगा लो दोबारा लिख देती हूं इसको बड़ा बड़ा सा ब्लास्टो, सिस, यहां पे साइट इसके अंदर होता क्या है और ये आपके इंपॉर्टेंट क्यों है इंपॉर्टेंट क्यों है और होता क्यों है देखो आपकी मदर है आर एच नेगेटिव अब यहाँ पे एंटीजन कौन सा होगा वाला एंटीजन ग... होगा अब इसके लिए ये फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये वाला एंटीजन फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा और ये अटैच कहाँ है आपकी आरबीसी पे कहां पे अटैच है आरबीसी पे आपका एंटीजन जुड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा ये करेगा क्या आपका एंटीजन जो है ना एंटीजन इसको मारने की ट्राई करेगा ठीक है अगर पहला केस आपके यहां पे दो केस बनते हैं तब पहला बच्चा आपका होता है इस तरह से तो वो आपका सही सलामत चला जाता है सही सलामत हो जाता है बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होती फर्स्ट बेबी अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी उसकी ठीक है अब एक बात बताओ वहां पे तब वो होगा तो आपस में खून टच करेगा दूसरे का संपर्क होगा तो वहां पे उसका ब्लड जो है अब उसकी बॉडी बनाना शुरू कर देगी अब जैसे ही दूसरा बच्चा होगा जो कि आर एच पॉजिटिव होगा उसके आरबीसी को ये मार देगी क्या कर देगी उसके आरबीसी को ये मार देगी यानी कि मैंने क्या कहा है भाई आपको ये कहा है कि मान लो आपकी मदर ये आपका चाइल्ड पहला बच्चा है ये आपका ये आपका यहाँ पे पहला बच्चा है पहला बच्चा है यहाँ पे मदर क्या है आर एच नेगेटिव ये आर एच पॉजिटिव ये बच्चा डिलीवर हो गया डिलीवरी हो गया यहाँ पे इसका गर्भावस्था खत्म हो गई इसका जन्म हो गया जन्म हो गया अब इसके जन्म के बाद होगा क्या ये आपकी एंटीजन बना लेगी या आपकी मदर है ये क्या करेगी अब यहाँ पे इस आप आज का जो क्या है ये आर एच पॉजिटिव वाला एंटीजन है एंटीजन है इसके खिलाफ इसके खिलाफ क्या बना लेगी आपकी एंटीबॉडी बना लेगी अब जैसे ही दोबारा दूसरा बच्चा होता है देखो मदर तो वही आर एच पॉजिटिटिव है आपकी अब दोबारा से फिर बच्चा आर एच पॉजिटिव हो गया है अब आर एच पॉजिटिव के लिए पहले ही उसके पास एंटीबॉडी है है ना अब वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी वो क्या कर देगी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी इसको मार देगी तो आपका बच्चा जो है जोंडिस या एनीमिया की वजह से वहां पे एक देखो ये मारने की प्रोसेस के लिए आपका एक नाम दिया गया है कि ये जो रोग होता है इसको हम कहते हैं आपका इो ब्लास्टोसिस ठीक है अब आपका जो बच्चा होता है ना उसको किस रोग कौन सा हो जाता है या तो उसको हो जाता है जोंडिस या तो उसको हो जाता है जोंडिस या उसको हो जाता है एनीमिया यानी कि वो उसके आरबीसी को मारती है एंटीबॉडी उसके आरबीसी को मारेगी और इस तरह से वो बच्चा जो है स्वर्ग सुधार जाएगा आपका ठीक है अब इसी चीज को आप एक नाम से और जानते हो और उसका नाम क्या है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबोर्न बेबी क्या होती है एक करती हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बेबी एन डी ए के नाम से भी आप इसको जानते हो एन डी ए के नाम से भी आप इसको जानते हो ठीक है तो भाई ये आपका क्या हो जाएगा इस तरह से सारा का सारा यहाँ पे आई थिंक समाप्ति हो चुकी है आपकी ठीक है तो आपको जान लेना है ये अच्छे से कि आपके किस तरह से क्या होता है ठीक है वहां पे वही पे एक चीज और आती है आपकी कंपेटिबिलिटी की नहीं एक चीज और रह गई एक चीज और रह गई बताती हूँ ना सारी बताऊंगी ये तो था आपका आरएच का केस वहीं पे आपसे कई बार ब्लड ग्रुपिंग के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मान लो आपके जो फादर है फादर है फादर का ब्लड ग्रुप है ए और मदर है मदर का ब्लड ग्रुप है ए तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है तो एक चीज जान लेनी है कि आपका जो ए ब्लड ग्रुप होता है कुछ इस तरह से दिखाते हो कि आई ए है ना या आई बी तो आई ए और आई बी दोनों के दोनों ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं प्रभावी होते हैं दोनों के दोनों प्रभावी होते हैं वहीं पे जो आपका आई जीरो होता है आई जीरो होता है ये आपका अप्रभावी होता है क्या होता है आपका अप्रभावी होता है यानी कोई प्रभाव नहीं दिखाता है अगर मैं कहूंगी आई ए और आई जीरो तो आपका वहां पे आई ए बनेगा इसका मतलब ये है अगर मैं बात करी इन दोनों की तो अगर ये दोनों आपस में आएंगे संपर्क में तो ये आपका ए बी बनाएंगे ए बी बनाएंगे ना कि ओ नहीं बनेगा वहां पे, ठीक है यहां से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं वो ऐसा पूछा जाता है कि मान लो फादर ए है मदर बी है तो किस प्रकार का आपका वहां पे ब्लड ग्रुप बन सकता है तो आपका वहां पे देखा अगर ए बी ए बी ये दोनों इन दोनों में से कोई भी ब्लड ग्रुपिंग आपके बच्चे की हो सकती है पर वहां पे ओ नहीं होगी ठीक है पर वहां पे ओ नहीं होगी इस प्रकार के भी आपके कई बार प्रश्न आते हैं तो वो भी आपको पता होने चाहिए वहीं पे आपका आपका जो आगे है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन uh, के बारे में है किसके बारे में है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में है, है। यानी कि तब आप एक इंसान से दूसरे के शरीर में खून दान देते हो वो कैसे होता है क्या देते हो तब भी आप खून दान देते हो या खून आप बोलते हो ट्रांसफ्यूज करा रहे हो रक्तदान कराते हो तो उस समय पर जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा ब्लड ही डोनेट होता है उस समय पे जो आपका डोनेट होता है वो आपका तीन प्रकार से होता है और वो तीन चीजें होती हैं जैसे कि आपकी आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल हो सकती हैं प्लाज्मा आपकी हो सकती हैं प्लेटलेट्स आपकी हो सकती हैं तीनों ही चीजें अलग अलग जगह से आपकी क्या हो सकती है डोनेट की जाती है ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड ही दिया जाता है ब्लड का एक एक कंटेंट भी आप देख सकते हो एक एक चीज भी आप दे सकते हो अब यहां से प्रश्न उठता क्या है ओ हो सकता है बिल्कुल भी नहीं हो सकता बिल्कुल अगर आपकी मम्मी का ए है पापा का बी है तो कोई भी चांस नहीं है कि आपका ओ वाला यहाँ पे आ जाएगा डोमिनेंट है दोनों के दोनों डोमिनेंट है दोनों के दोनों तब तो एक भी डोमिनेंट आ जाए ना तो वहां पे ओ नहीं हो सकता नहीं हो सकता ठीक है अगर उसने कहा होता ना कि भाई मदर ओ है फादर ए है तो मैं मान जाती पर दोनों ही डोमिनेंट एलील लेके बैठे हैं तो वहां पे ओ नहीं हो सकता बेटा अब बना के देख लो चलो बना के देख लो आप बेशक इस चीज को तो मान लो मदर का ए ए है फादर का बी बी है या तो ये केस हो सकता है आपका ठीक है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी पहला केस एलील दोनों डोमिनेंट है अब मान लो दूसरी चीज दूसरी चीज मान लो कि अब आपका एलिल कुछ इस तरह से है ए और आपका ओ बी और आपका ओ ठीक है कुछ इस तरह से है आपका तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी नहीं बनेगा ऐसे तो ए बी बी ए जी बिल्कुल कम चांस होता है वो चांस कब होता है सबसे कम चांस कब होता है तब आपका अगर इस तरह की कंडीशन मेंशन है वहां पे तब अदरवाइज अगर दोनों के पास वहां पे डोमिनेंसी है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ठीक है हाँ एक चीज और एक चीज और अगर ये चीज चली रही है तो उसके बारे में हम बात कर लेते ठीक है ओके ओके okay. आगे चलते हैं इसी के साथ एक चीज और मैंने कहा आपको कई बार देखा होगा कि आपके जीन होते हैं। कुछ इस तरह से आप दिखाते हो ये आई आई ए या आई बी ये आई 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 क्या होता है, क्या होता है ये आई? किसी को ये आई क्या होता है क्या है ये आई हम्म मैंने कहा अगर दोनों में डोमिनेंसी है तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता वहां पे ठीक है हाँ आई ए आई भी क्या होता है ये आई क्या है ये आई ये क्या है क्या चीज है ये कोई आइडिया है हुँ? तो भाई ये आपका ब्लड को क्या ब्लड को दर्शाने के लिए जीन होता है इस आई का मतलब होता है आइसो ग्लूटीन आइसोगलूटीन और आइसोग्लूटीन आपका क्या है एक जीन है एक जीन है जो ये दर्शाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा है आइसो का आई इसीलिए आई लिखा जाता है आई का मतलब आइसोगल्यूटीन और इस बात की मैं गारंटी लेती हूं ये आपको पता नहीं होगा यह आप एलील नहीं होता जीन होता है जीन होता है बेटा आइसोग्लूटीन का मतलब जीन होता है एलील तो ये है हाँ, आपके ऊपर जो बैठे हुए हैं कंफ्यूज नहीं होना इसके साथ आई स्पेसिफिक ये जीन है ये एलील नहीं है आई एलील नहीं है ए ए दोनों A, B, को आप एक जीन कह सकते हो पर आई को आप एलील नहीं कह सकते है ना ठीक है तो आपका यहाँ से मैंने क्या कहा प्रश्न जो बनता है प्रश्न आपका ब्लड को, कोगुलेशन से बनता है आपका ब्लड कोगुलेशन से आपका बनता है क्या वो बता देती हूँ मैं जल्दी से आपने मान लो आपके शरीर के अंदर आप हिपेरिन है शरीर के अंदर क्या है आपका हिपैरिना जो खून नहीं जमने देता तब आप दान करते हो तब आप दान करते हो तो वो ब्लड आपका जमा क्यों नहीं होता किसकी वजह से आपका वहां पे जमा नहीं होता पहली चीज तो ये वहां पे कुछ चीजें मिलाई जाती है जैसे कि आपकी ई डी टी ए ये रीड सिलेबस और सेकेंड ग्रेड सिलेबस उसके लिए हम जरूर कुछ वीडियो आपके लिए लेके आएंगे सेशन हम लेके आएंगे रुपेंद्र Uh, अभी आपकी एल के लिए जो चल रही है देन uh, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे इसके लिए भी हम करेंगे बिल्कुल करेंगे दूसरा आपका होता है सी पी डी तीसरा क्या होता है आप फुल फॉर्म मुझे बताने वाले हो अगर आपने ये सुना है तो ठीक है नहीं सुना है तो मैं हूं इस चीज के लिए फिर आपका होता है ए सी डी ये तीनों चीजें मिलाने से आपका खून का थक्का नहीं जमता है खून का थक्का आपका भैया नहीं जमता है अगर मैं बात करूं ए सी डी की तो ए सी डी आपका क्या है ए सी डी है आपका एसिड साइट्रेट एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज वहीं पे सीपीडी क्या है साइट्रेट साइट्रेट फोस्फेट फोस्फेट डेक्सट्रोज और ये आपके खून को जमा नहीं होने देती है यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तब आपका ब्लड बैंक होता है ब्लड बैंक में क्या मिक्स किया जाता है खून के अंदर ठीक है और ईडीटी का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड इथाइलिन डायमीन tetra acetic acid और ये आपसे प्रश्न पूछे जा गया है और पूछे जा सकने की संभावना है आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में ऐसा क्या मिक्स किया जाता है जो कि उसको जमने नहीं देता ये आपके विस्कंद विरोधी चीजें हैं ठीक है और आपके खून के अंदर मिक्स की जाती है ब्लड बैंक के द्वारा तो इसके प्रश्न यहीं पे हम शुरू करते हैं भाई आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है ब्लड का मैं उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से देखा होगा अगर आपने अच्छे से देखा है ना तो भैया यहां से प्रश्न नहीं जाएगा आपका लिखवा लो यहां से प्रश्न नहीं जाएगा आपके एल के पेपर में साइन करके लिखवा आज, ठीक है तो फिर फटाफट इसके क्वेश्चन लगा लेते हैं एक बार आपके प्रश्न लगा लेते हैं हम बार मूल्यांक करना जरूरी है ना देख लेते हैं मूल्यांक करके कि कितना आ गया है हमको कितना नहीं आया है प्रश्न लगाना जरूरी है ना तो चलो प्रश्न लगा लेते हैं इसका पहला पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने के लिए सक्षम है यानी कि आपका ऑर्गेनैली हो या आपका क्या हो आपका सेल हो जो उस चीज का हटा देगा उसका विनाश कर देगा उसकी ग्रेवयार्ड कौन सी हो जाएगी अब गुट ग्रंथी अग्नाशय तिल्ली आपका अस्थि मज्जा मैंने आपको बताया था कि अस्थि मज्जा के अंदर होता है निर्माण क्या होता है निर्माण होता है और वहीं पे प्लीहा के अंदर विनाश होता है तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर सीधा सीधा तिल्ली हो जाएगा प्लीहा जिसको आप कहते हो स्पीलन हो जाएगा ठीक है हाँ इसी के साथ आपका आगे अगला प्रश्न क्या है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है आपका ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है पहला है ईसीजी स्टेथोस्कोप सिफगैनोमीटर फिर आपका आर्म बैंड जल्दी बताओ ये प्रश्न आपका मैंने बताया नहीं शुक्र है ये प्रश्न आ गया नहीं तो छूट जाता हमारा ब्लड प्रेशर और नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होता है नमस्ते भाई नमस्ते देखो एक आपका हेल्दी इंसान होता है नॉर्मल इंसान होता है उसका ब्लड प्रेशर होता है 120 by 80 mmHg, यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है ये क्या है तो ये आपकी होती है मिलीमीटर ऑफ मरकरी क्या है ये आपकी मिलीमीटर ऑफ मरकरी ठीक है तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा सिर्फमीटर हो जाएगा सिर्फ गैनोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा सी आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी किसने दी भाई आपकी रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या पहला है हैनीमैन हार्वे चरक बैक्सन तो भाई इसका आंसर आपका हो जाएगा हार्वे क्या हो जाएगा हरवे आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ठीक है वहीं पे अगला प्रश्न है कि शरीर की विशालतम धमनी है कौन सी है देखो ये आपका ब्लड से रिलेटेड नहीं है ये प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है पर ये 2016 के अंदर आया है इसलिए मैंने लगाया है अब एक चीज जान लो आप तब आपका हार्ट होता है ना हार्ट में यहां पे एक एट्रियम होता है यहां पे एक वेंट्रिकल होता है ठीक है ये आपका होता है राइट एट्रियम यह होता है राइट वेंट्रिकल ये रा, लेफ्ट एट्रियम यह आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और यहां पे आपके होते हैं लंग्स ये आपके क्या होते हैं यहाँ पे लंग्स यानी कि राइट एट्रियम से ये जाता है यहाँ पे आती है पल्मोनरी आर्टरी इस आर्टरी तक खून जो आपका लेके आती है वो होती है आपकी वैनाका वो क्या होती है आपकी वैना कावा, तो वो जो वेना कावा है वो आपकी क्या होती है जिसके अंदर सबसे बड़ी आपकी ऐसी धमनी धमनी होती है सिरा सॉरी धमनी सिरा धमनी सिरा धमनी, धमनी धमनी होती है जो आपकी सॉरी सिरा होती है जो सिरा जिसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहीं पे तभी आपका ब्लड यहाँ से पंप अपनेटा में जाता है यहाँ पे यह क्या होती है ओरटा होती है और इस ओरटा में जाता है ये ओरटा सबसे बड़ी धमनी है ये क्या है सबसे बड़ी धमनी है और इस धमनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो आपका यहाँ पे आंसर और एरोटा हो जाएगा ठीक है गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून अगला प्रश्न क्या बनता है आपका कि भी शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है अब वाहिका की बात हुई है तो यहाँ पे आपकी बात होगी पल्मोनरी आर्टरी की आपकी, की आपकी 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 पे पे बात होगी पर ऑप्शंस में आपकी कौन सी दी गई है यहां पे? आपकी कोई भी नहीं वाहिका की बात हुई तो वाहिका आपकी पल्मोनरी सिरा हो जाएगी यहां से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं आपके मैं पहले बता रही हूँ क्योंकि आपका टॉपिक हर्ट हो जाता है हर्ट हो जाता है पर फिर भी चांसेस है दो के अंदर पूछा गया था ऐसा कुछ प्रश्न ठीक है अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है और मैंने था, दोनों एंटीबॉडी किसके अंदर पाई जाएगी जिसके अंदर आपके दोनों एंटीजन दोनों एंटीजन नहीं होंगी यानी ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होती तो वहां पे आपकी दोनों की दोनों एंटीबॉडी आपकी पाई जाती है तो आपका ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा ठीक है आएगा तो भाई उस पर हम जल्दी ही आपको बता देंगे बिल्कुल बता देंगे जैसे ही आपका ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है तो हम बता देंगे आप लोगों को ठीक है तो अगला प्रश्न है कि आरच फैक्टर नाम किससे संबंधित है पहला है आपका बंदर भालू से बंदर से मनुष्य से बिल्ली से तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको किससे संबंधित होता है आपके बंदर से होता है और बंदर कौन सा रीशियस कौन सा रिसियश आपका बंदर होता है ठीक है अगला प्रश्न क्या होगा आपका इसका अरे कहा गया प्रश्न ही कहा गया अगला प्रश्न क्या होगा कि हीमोग्लोबिन में धातु होती है कौन सी और मैंने बताई थी आपकी कौन सी होती है जल्दी मुझे बताओ पहला है मैग्नेशियम आयरन कैल्शियम कोबाल्ट आपका कौन सा आंसर आंसर हो जाएगा बी 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 ओके वेरी गुड जीतू B. विल योर करेक्ट यानी कि आयरन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह है आपका ओमनी पोर्टेंट उसको यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप भी कहते हो यूनिवर्सल ग्राही की बात हुई ना यूनिवर्सल रिसेप्टर यूनिवर्सल रिसेप्टर की बात हो तो यानी किसके अंदर कोई एंटीबॉडी ना हो और एंटीबॉडी किसके अंदर नहीं होगी आपकी ए बी के अंदर नहीं होगी तो आपका ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो अगला प्रश्न क्या है भैया आपका कि किस विटामिन की कमी से खून का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है वाइटमिन सी वाइटामिन डी वाइटामिन ई वाइटमिन के तो जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा वेरी गुड वेरी गुड ओके वाइटमिन के आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वाइटमिन के जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है अगला प्रश्न क्या है कि मानव लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है कितना लाल रक्त कणिकाओं का लाल रक्त कणिकाओं को मैंने कितना बताया था एक दिन तो क्या हो जाएगा आपका एक दिन यानी कि तीस साठ अस्सी से एक दिन ओके आज जय जय राजस्थान भाई हम आपके लिए जरूर ये चीज बताएंगे आपको एक छोटा सा सेशन दे, दे देंगे हम थोड़ी देर आ, कल परसों में आपको जरूर बता दिया जाएगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा आपका ठीक है ओके वेरी गुड वेरी गुड गर्ल अगला है कि वह आयरन जो रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है वह आयरन जो रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है पहला है एन ए मैग्नेशियम कैल्शियम कॉपर मुझे जल्दी बताओ कौन सा आपका आंसर हो जाएगा और मैंने आपको ये लिखवाए थे अगर आपको ये ध्यान है तो ध्यान है तो तो अभी आपका ये होता है सोडियम होता है कैल्शियम होता है और कॉपर भी होता है या नहीं होता हाँ मैग्नेशियम हो जाएगा आपका यहाँ पे मैग्नेशियम आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि रक्त समूह ए बी के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होगी तो ये रक्त समूह ए बी है तो वहां पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका ना एंटी ए ना एंटी बी हो जाएगा तो ये आपका डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम तो होता है कैल्शियम तो होता है अगला प्रश्न है कि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों की संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे इसने कहा दोनों जनकों का ए बी हो यानी ए बी ए बी तो यहां पे क्या बनेगा ए ए बी ए बी 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 तो आपका कहीं पे और नजर आ रहा है ए बन सकता है बी बन सकता है ए भी बन सकता है परंतु ओ नहीं बन सकता तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा ये वाला हो जाएगा क्योंकि बी नहीं बन सकता ए भी, भी हो सकता है ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है ठीक है इसी के साथ अगला प्रश्न क्या है कि आरएच रोग के क्या लक्षण होते हैं वट आर सिम्पटम ऑफ आर डिजीज पहला है तेज हृदय गति ऊर्जा की कमी बड़ा पेट ये सभी जल्दी बताओ क्या होगा तो भाई ये सारी की सारी चीजें आपकी हो जाएंगी सारी की सारी चीजें आपकी हो जाएंगी तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे ये सभी क्या कहोगे ये सभी अगला प्रश्न क्या है कि शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को मैंने बताया था ना क्या कहते हैं भाई पहला है आपका ग्लाइसीमिया लिपिडीमिया एनीमिया थ्रोमोसाइटोपीमिया अगर मैं बात करूं आपकी एनीमिया की तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर सी विल बी योर

नन ऑफ दबो उसको लगा लो एक और नन ऑफ दाबो बो, इन में से कोई भी नहीं तो आपका यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएगा ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा ठीक है अगला तो प्रश्न है पहला है रहो गाम प्रतिरक्षी फिर आपका आर एच प्रति दिए गए सभी का मिश्रण आपका प्रोटीस यानी देखो मैं जो आपको क्या करा क्या थ्यूरी कराया था उसमें जो एक दो चीज छूट भी गई होगी ना तो आपके एमसीक्यू वो कवर हो जाएगी ठीक है तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं विद एम सी तो ये आपके लिए बेस्ट है बेस्ट ठीक है तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई रहोगम प्रतिरक्षी हो जाएगा क्या हो जाएगा रहोगम प्रतिरक्षी हो जाएगा ठीक है ओके okay. अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ आपका, में में आपका ब्लड डोनेट किया जाता है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उस समय पर जो स्कंद ना बनाए उसके लिए आप क्या यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट सोडियम एसिटेट सोडियम कार्बोनेट सोडियम नाइट्रेट जल्दी मुझे आंसर बताए आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे जल्दी मुझे बताए आपका आंसर क्या होगा ओके वेरी गुड अनुज वेरी गुड बी एसीटेट ओके शोरो ओके सी बी बी विल योर करेक्ट आंसर ये आपका क्या हो जाएगा भाई सही, सही उत्तर हो जाएगा इसी के साथ आपके ट्वेंटी जो इंपॉर्टेंट एमसी क्यूज है वो मैंने आपको करा दिए हैं ठीक है तो आपको अगर ये अच्छी लगे अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो आप उसको लाइक जरूर करेगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा और आपको पता है मैं सोनिया चहल मैं आपको क्या कराने वाली हूँ भाई जनरल साइंस कराने वाली हूँ ठीक है और वहीं पे आपको मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगी कि आपको हर चीज मिल रही है सिर्फ और सिर्फ नौ सौ निन्यानवे रुपए में और आपको कोड लगाना होगा वाई फोर फोर थ्री आर जैसे ही आप ये कोड लगाते हैं आपको हर चीज किस में मिलेगी नौ सौ निन्यानवे मिलेगी इसके बिना नहीं मिलेगी और साथ में एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा आपका महापैक हो या कोई कोर्स हो कुछ भी हो एनी आपका ये होगा और आपको पता है आपका वीडियो का प्री का रिजल्ट आ गया है तो मेन्स का भी आने वाला है है ना मेन्स सिक्सटी डेज के बाद होगा आपका तो उसके लिए हमने एक लव्य बैच लॉन्च किया है तो उस एकलव्य बैच बैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहले दो स्टूडेंट्स लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर भी आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ नाइन नाइन मिलेगा तो इसको भूलना नहीं है ठीक है तो अभी के लिए इतना ही है भैया ठीक है थीके? फिर मिलेंगे आपको टाटा बाय बाय हैव नाइस डे स्टे सेफ स्टे हेल्दी